श्योर। अच्छा ये बताएं, जब वो क्लास फोर्थ, आपने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है, तो क्लास फोर्थ मुझे पता है कि पहला दिन बड़ा मुश्किल था, आप ऑलमोस्ट रोते हुए घर गई थी। जी जी। तो बच्चों ने क्या किया था ऐसा कि इतना परेशान कर दिया, क्या कर रहे थे वो बच्चे? दे वर सो फुल ऑफ एनर्जी। सॉरी, मिक्स थे गर्ल्स? नो, इट वाज अ बॉयज स्कूल। ओ, सब बच्चे बॉयज। अच्छा, मुझे लगा, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम वी टेक दोज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। मैंने कहा भाई मैं तो मास्टर्स करके आई, लैंग्वेज तो मेरे उल्टे हाथ की मार है। मस्ट लाइक क्लास फोर तो इज लाइक हलवा। उस हलवे ने जो मुझे बताए कि बेटा नॉलेज एक चीज़ है, हाउ टू डिलीवर नॉलेज इज अ टोटली डिफरेंट गेम, जिसको हम पेडागॉजी बोलते हैं। सो आपको पेडागॉजिकल स्किल्स तो सीखने पड़ेंगे। मुझे तो लगा जैसे एक शीशे की प्लेट में आप मार्बल्स रख के तो दे दें कि उनको बैलेंस करें। एक को रखो तो वो तो रोल होते जाते हैं ना, वो तो टिकते नहीं है कहीं। यही बच्चे कर रहे थे, दे वर नॉइजी, और जो कोई टीचर्स गुजरती थी वो ऐसे मुड़ के देखती हैं क्या हो रहा है, लाइक क्या मछली मंडी बनी हुई क्लासरूम। आई हैड ज़ीरो क्लासरूम स्किल्स बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि बच्चों को मैनेज कैसे, हाउ टू मैनेज चिल्ड्रन इन अ क्लासरूम। पढ़ाना तो एक तरफ रह जाता है, पहले तो आप उन बच्चों को मैनेज करना सीखें, क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट, फिर पढ़ाएं। तो वो देन आई रियलाइज कि नहीं भाई, आई नीड टू लर्न हाउ टू टीच। तो वो थोड़ी स्कूल था कि डंडे के जोर पे कह बी क्वाइट सिट डाउन, ये वो वाला तो क्लासरूम था नहीं। अच्छा, तो एक वो कोशिश की आपने करने की? हाँ, की होगी डेफिनेटली। मतलब एक डेस्परेट एफर्ट जो होती है ना कि किसी ने सुना प्यार से मोहब्बत से, लेकिन बच्चे तो माशाल्लाह वो तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे मिसाइल्स थे। एक जूम करके उधर जा रहा है, जूम करके उधर जा रहा है। कितने मजे की आपने एग्जांपल दिए, छोटे से नन्हे नन्हे से मिसाइल थे। दे वर सो फुल ऑफ एनर्जी। मुझे इतनी मजे मजे की बातें उनकी याद है, मैं आज भी उनको याद करती हूँ और बहुत इंजॉय करती हूँ। क्लास फोर वॉज सो मच फन। जैसे मैंने उनको फोर लेटर वर्ड्स इनके सेंटेंसेस बनाने थे, उनमें एक वर्ड था बीट, बी ई ए टी। तो एक बच्चे ने सेंटेंस बनाया था, वन डे अ बर्ड डू बीट ऑन मी। ये इतने क्यूट, ये जोक्स सिर्फ उस टाइम के एंजॉय करने के थे। एक दिन असेंबली के लिए होता था, टीचर्स की ड्यूटी होती थी सब बच्चों को असेंबली के लिए बाहर भेजना, बिकॉज गर्मी होती थी ना, तो बच्चे इधर उधर छुप जाते। तो एक बच्चा बिल्कुल डेस्क के नीचे छुपा हुआ, तो मैंने वहाँ से आवाज़, मैंने कहा सलमान व्हाई आर यू हाइडिंग देयर? तो उसने कहा कि मिस देयर इज सो मच सन आउटसाइड। तो मुझे सो मच सन वाला था ना आइडिया, मुझे इतना क्यूट लगा। तो बहुत प्यारी बातें करते हैं बच्चे। बट मुझे वो डेस्परेट मोमेंट्स भी याद हैं। अब मैं देखती थी जब सीनियर लोगों की क्लासेस होती थी, तो बच्चे वही वाले बच्चे ऐसे तमीज़ से बैठ के पढ़ रहे होते, तो मैं कहती थी मेरी क्लास में क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? तो देन आई रियलाइज कि अब मुझे इसके ऊपर काम करना है, दिस इज़ माई वीक एरिया। सो मैं हर प्लेटफॉर्म पर ये कहती हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं और जो टीचर्स टीचिंग के प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं या होना चाहते हैं, समझ लें आपका नॉलेज एक तरफ और टीचिंग का नॉलेज, हाउ टू टीच इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। उसके लिए तैयार होके जाए। तो फिर वापस, मतलब इतना डिसहार्टनिंग पहला एक्सपीरियंस था, तो हिम्मत कैसे बांधी कि दूसरे दिन दोबारा जाऊं और बच्चों को उसी तरह फेस करूं उस तूफान को? हाँ, सोचा नहीं है कुछ और कर लेती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो हमारी फैमिली में मतलब ये वाली तो ऑप्शन ही नहीं थी कभी भी, गिव अप करने वाली प्रोफेशन। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जनरली सभी इसी फील्ड से कनेक्टेड हैं, तो और कोई ऑप्शन थी नहीं मेरे पास जॉब की। और ये बड़े मज़े की जॉब होती है, तो उसमें दो महीने समर की छुट्टी, और कौन सा प्रोफेशन है जो आपको दो महीने की छुट्टी भी देता है साथ में। खैर, दो दिन बाद जब मैं आई डिसाइडेड कि नहीं यार, एक दफ़ा फिर कोशिश करके देखो, लेकिन वो सब सेल्फ एनालिसिस के बाद हुआ था। आई रियलाइज कि नहीं यार, आई डोंट नो हाउ टू टीच, सो आई नीड टू लर्न हाउ टू टीच। फिर मैंने अपने सारे फ्री टाइम और वो जो लेजर वाला टाइम होता है, नोटबुक चेकिंग मैं घर जाके करती थी। सारी नोटबुक्स, 30-30 नोटबुक्स थैलों में डाल के घर ले जाके रात को नोटबुक चेक कर रही होती थी। और अपने जो फ्री टाइम थे उसमें मैं सीनियर लोगों की क्लास में बैठती थी, मैं उनसे इजाज़त लेती थी कि कैन आई ऑब्जर्व योर क्लास, तो वो मुझे अलाउ करती थी कि हाँ आ जाओ। मैं तो बल्कि एक दफ़ा गई हेडमिस्ट्रेस के ऑफिस में दूसरे तीसरे दिन, मैंने कहा नहीं प्लीज़, आई थिंक आई एम नॉट फिट फॉर टीचिंग, आई थिंक आई शुड क्विट। She said, no,
आई सी अ गुड टीचर इन यू बिकॉज यू रियलाइज दिस इज एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो यही तो टीचर्स हमें चाहिए जो ये समझ सकें कि उनको उनमें कमी है. तो कहने की तुम मेरी क्लास में आओ, देखो मैं तुम्हें एक मॉडल लेसन दिखाऊंगी, कम एंड सिट इन माई क्लास. तो यहाँ से मेरा एक डेवलपमेंट का सफ़र शुरू हुआ. और यही वो जज्बा था कि जब मैं थोड़ा सा साउंड फुटिंग पे आ गई, जब मुझे टीचिंग समझ में आई किसी हद तक, मेरा ख्याल है कभी भी कोई ये नहीं कह सकता कि अब मुझे टीचिंग बिल्कुल आ गई है. तो जब मुझे लगा कि अब साउंड फुटिंग है, तो मैं हर नई आने वाली टीचर को अपने साथ अटैच करती थी कि कम लर्न विथ मी, क्योंकि मुझे पता था कि वो उसी स्ट्रेस से गुजरी जिससे मैं गुजरी हूँ. बस वहीं से फिर टीचर ट्रेनिंग का सफ़र शुरू हुआ, फिर वहीं से आगे स्कूल हेडशिप वगैरह. लेकिन वो एक टीचर जो है ना, वो आज भी मेरे अंदर जिंदा है. अच्छा ये बताएं, तो वो बच्चों को आपने दिल जीतने की कोशिश की होगी थोड़ा सा अच्छे से, पहली बार कब हुआ एक सख्त डिसीजन लेना पड़ा, जब आपने ये फेस किया कि नहीं यार बहुत हो गया प्यार से, अब मुझे एक टफ डिसीजन लेना है ताकि इन लोगों को थोड़ी रिस्पेक्ट भी आए और ये थोड़े डिसिप्लिन हुए, कुछ याद है क्या हुआ था और कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं राबिया, मेरा बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस था. ओके जो मैंने अपनी सीनियर जो मेंटोर थी उनसे सीखा था, इट्स नाइदर बीइंग सॉफ्ट नॉर बीइंग टफ, ठीक है, इट्स समवेयर इन बिटवीन. ठीक है. एक होता है जिसे हम नहीं समझ पाते, वो है बींग फर्म. ओके. इस्टेब्लिशिंग डिसिप्लिन इन द क्लासरूम इज इम्पॉर्टेंट. आप जब बच्चों को बता दें कि नो वन्स गेटिंग अप फ्रॉम द सीट, इफ़ यू वांट टू आस्क मी, गुड बॉयज. सो आप जब एक दफ़ा इस्टेब्लिश कर देते हैं एंड यू प्रेज देम फॉर एवरी गुड बिहेवियर, ओके, वो जनरली क्या होता है, टीचर्स बच्चों को उनकी गलतियों पे डांट रही होती है, यू आर मेकिंग नॉइज, यू डूइंग दिस, यू डूइंग दैट. बच्चे और ज़्यादा बदतमीजी करते हैं. स्टार्ट प्रेजिंग देम फॉर बीइंग गुड. अब जब ये काम शुरू करते हैं तो बच्चे कहते हैं ओ इसको प्रेज किया तो मैं भी ऐसे कॉम्पिटिशन. तो आहिस्ता आहिस्ता, इट्स नेवर अ वन डे फ्लिप ओवर, इट्स अ ग्रेजुअल जर्नी. बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, बड़ा आपको परसिवेरेंस चाहिए. लेकिन अगर आप में जज्बा है टू बी ए गुड टीचर, तो कोई वजह नहीं है कि आप ना कर पाएँ. आपने कितनी बड़ी क्लासेस को भी पढ़ाया है, कितनी एज तक के बच्चों को पढ़ाया है? मैंने क्लास 8 को कोई 4-5 साल पढ़ाया. ओके. फिर ओ लेवल्स को पढ़ाया एक दो साल, उसके बाद फिर मैं टीचर ट्रेनिंग में चली गई कम्प्लीटली. फिर आपने टीचिंग छोड़ दी? फिर टीचिंग, टीचर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बजाते खुद बहुत टफ था, जिसमें टीचर्स के कोर्सेज होते थे और उसमें फिर ग्रेजुअल मूव होती थी, पहले एज ए ट्रेनी यू सिट थ्रू द सेशंस, फिर उसके बाद आपको अलाउ होता था कि नाउ यू कैन इंडिपेंडेंटली टीच अ कोर्स. सो एक्टिंग की फील्ड में जब आप आई, तो आई थिंक किस्सा भी आप खुद ही सुना देंगे कैसे हुआ था. हाँ वेल, मेरा तो बिल्कुल एक हादसाती तौर पे मैं एंटर हुई थी. बेसिकली तो मेरे बच्चे ही गए थे, मेरे दोनों बेटे ये छोटे छोटे थे और ये गए थे एक ऑडिशन के लिए, किसी ड्रामा या एड का, किसी प्ले के लिए. एक बच्चों का चैनल था. उसके लिए मैं हस्बैंड लेके गए थे, उन दोनों को मुझे तो पता भी नहीं था. लेके गए तो मेरे हस्बैंड का मुझे फ़ोन आया, तो आरिफ कहने लगे कि भाई ये दोनों सेलेक्ट हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि एक हमें ड्रामे में एक स्कूल प्रिंसिपल का कैरेक्टर चाहिए, तो आपकी बेगम कर देंगी, भाभी से बोलें अगर वो करना चाहें तो. आई सेड ओके, आई डोंट नो. बोले तुम कर लोगी? मैंने कहा मुझे पता नहीं है कि इफ़ आई कैन और नो, क्योंकि कॉलेज में हर तरह का काम मैंने, मतलब नाक खानी का मुकाबला है, स्पीचेस है, डिबेट्स है, मैं हर चीज़. जब आप स्टूडेंट होती थी तो आपने किया हुआ है बहुत? हर चीज़ की भी. मैंने कहा चलो ये भी एज एन एडवेंचर, मुझे नई चीज़ें सीखने का शौक़ बहुत है और वो अभी भी है. तो मैंने कहा अच्छा चलो. अब वो टाइम था कि जब मुझे बड़ा यंग सा कर्ली से बालों का फ़नी सा डायरेक्टर था, अ यंग लैड उस टाइम का, तो वो मुझे बेचारा बहुत उसने हिम्मत से ट्रेन किया. हमें कैमरे में नहीं देखना. अच्छा अच्छा ओके ओके. ये वो वाला स्टेज था बिल्कुल बेबी. और फिर भी आप कैमरे में देख रही थी? हाँ मतलब एक दो दफ़ा. और कुछ इतने फ़नी मोमेंट्स मुझे याद आते हैं कि जब आप सीख रहे होते हैं और यू आर नॉट रियली एन एक्टर, तो उसमें था कि फ़ोन आता है कि शाहिद साहब, सर शाहिद का एक्सीडेंट हो गया. तो मैंने फ़ोन उठाया एंड वो उसने कहा कि सर शाहिद का, ओहो सर शाहिद का एक्सीडेंट हो गया.
जब मैंने यूँ कहा ना तो वो ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर. शी सेड आपने तो ये एक्सप्रेशन दिया जैसे वो हर 5 मिनट बाद एक्सीडेंट कराते हैं, तो फिर ओहो फिर एक्सीडेंट हो गया. कहते कुछ तो सरप्राइज रखे. वाज लाइक बहुत ऐसी मोमेंट्स है इडियोसिटी वाली जब बिल्कुल कुछ पता नहीं था. तो खैर कोई भी सफ़र एकदम से इंसान मछली की तरह सीख के नहीं आता.